नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल। मैं संदीप चैनल कंसल्टेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर, और आज मैं देने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो आप लोगों ने पूछा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि कैसे हम मार्कडाउन मार्कअप ये कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम स्कीम कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाला हूँ। वेयर आई डिस्कस मार्कअप मार्कडाउन, वेयर आई डिस्कस हाउ विल यू कैलकुलेट स्कीम। अगर आपको परसेंटेज में स्कीम मिला है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपको FOC देना है जैसे 12 के साथ एक फ्री या 20 पीसेस के साथ टू फ्री, तो आप कैसे स्कीम कैलकुलेट करोगे। विल ऑल्सो डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस एंड ऑल्सो द कंपनी लैंडिंग प्राइस। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस सेशन। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द मार्कअप प्राइसिंग। व्हाट इज मार्कअप प्राइसिंग? इट इज कॉस्ट प्लस मार्जिन। जो भी आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है या आपने जिस प्राइस में खरीदा है उसके ऊपर आप एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रखना चाहते हो, देन दैट बिकम्स द मार्कअप मार्जिन। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 100, या तो आपने खरीदा या बनाया वट एवर, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 100 और उसके ऊपर आप 20% प्रॉफिट रखना चाहते हो, देन वॉट विल यू डू? योर सेलिंग प्राइस विल बी 100 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 120। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्क डाउन प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, प्राइस माइनस मार्जिन, तो फाइनल प्राइस है उससे हम नीचे आते हैं और एंड वी कैलकुलेट द मार्क डाउन प्राइस। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ का कोई भी आप ले लो शर्ट, आप रिटेल स्टोर में गए, आपने शर्ट देखा उसके ऊपर 1000 रुपीज़ लिखा हुआ है एंड ऑन दैट दे आर ऑफरिंग 20% डिस्काउंट, तो आपका मार्क डाउन कैलकुलेशन इसमें क्या होगा, 20% ऑफ 1000 विच इज 200 रुपीज़ इज द डिस्काउंट विच वी डिडक्ट फ्रॉम 1000 रुपीज़ एंड वी गेट 800 रुपीज़ एज द फाइनल प्राइस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ FMCG परस्पेक्टिव। FMCG में रिटेलर लैंडिंग प्राइस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच इज द RLP। जो भी कैलकुलेशन होता है रिटेलर का मार्जिन विच इज ऑन द रिटेलर लैंडिंग प्राइस। इस डायग्राम में जैसे आपको दिखाया गया है देयर इज एन MRP, अगर उस MRP से आप रिटेलर का मार्जिन या द मार्कअप मार्जिन आप डिडक्ट करोगे, इट विल गिव यू द रिटेलर लैंडिंग प्राइस। सिमिलरली अगर आप रिटेलर लैंडिंग प्राइस के साथ उसका मार्जिन ऐड करोगे विच इज द मार्कअप मार्जिन, इट विल गिव यू द MRP। अब जब हम लोग स्कीम कैलकुलेट करते हैं देन वी गिव अ मार्क डाउन डिस्काउंट विच इज ऑन दैट RLP विच इज द रिटेलर लैंडिंग प्राइस, तो उसके ऊपर हम लोग परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देते एंड देन वी अराइव एट द रिटेलर लैंडिंग प्राइस आफ्टर स्कीम। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब देखिए जैसे इस एग्जाम्पल में दिया गया है दिस इज द स्कीम ऑन पीसेस, तो यहाँ पे 3 स्लैब है, 5 पीस लेगा तो दुकानदार को 1.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, 10 पीस में उसको 2% मिलेगा एंड 15 पीस में उसको 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। Now the MRP of the product is 20 and the margin is 8%. Now the question is, what is the per piece retailer landing after scheme if he buys 12 pieces? So this is the question. तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको द रिटेलर लैंडिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। अगर आप उस डायग्राम को आप याद करोगे तो रिटेलर लैंडिंग प्राइस के ऊपर ही हमारा सारा कैलकुलेशन होता है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिटेलर लैंडिंग प्राइस। सो RLP इज इक्वल टू MRP माइनस 8% ऑफ RLP, ये मार्कअप मार्जिन है ना 8%, सो माइनस 8% ऑफ RLP। अगर आप हम इस फॉर्मूला को दूसरे तरीके से लिखे तो RLP प्लस 8% ऑफ RLP इज इक्वल टू 20 और RLP ब्रैकेट में 1 + 8% इज इक्वल टू 20। 1 + 8% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.08 भी लिख सकते हैं, तो RLP इज इक्वल टू 20 / 1.08 which is equal to 18.52 which is the retailer landing price after his margin। अभी क्योंकि retailer ने 12 पीस लिया है तो he will get 2% scheme also, तो उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, because retailer is interested in knowing कि उसका per piece profit क्या हुआ, ये हर retailer जानना चाहता है। so for that you have to find out कि actually में per piece में retailer का landing कितना हो रहा है। so how will you calculate that, you will multiply that रिटेलर लैंडिंग प्राइस आफ्टर मार्जिन विथ दैट डिस्काउंट दैट इज बीन गिवन। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट 2% है तो हम लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विथ 0.98, मतलब 100 - 2 98%, 0.98 के साथ हम 8.52 मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल गिव अस डायरेक्टली द रिटेलर लैंडिंग प्राइस आफ्टर स्कीम विच इज 18.15। मतलब जो 20 रुपये का MRP का प्रोडक्ट है वो 18 रुपीज़ 15 पैसा उसको मिल रहा है एंड ही इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज़ एंड 85 पैसा। देखिए इसको हम लोग थोड़ा पिक्टोरियली भी समझ लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल के साथ।
जैसे यहाँ पे MRP 100 रुपया दिया गया है एंड द मार्कअप मार्जिन इज 10% एंड द RLP विल बी 100 / 1.10 विच इज 90 रुपीज़ एंड 90 पैसा। अगर इस 90 रुपीज़ एंड 90 पैसा के साथ आप 10% ऐड करोगे तो यू विल गेट बैक दैट 100 रुपीज़ का फिगर, ठीक है। जब हम स्कीम का बात कर रहे हैं तो स्कीम अगर 2% का है 90.90 के ऊपर, देन वी डिडक्ट द 2% स्कीम फ्रॉम 90.90 एंड वी गेट 89.08 विच इज़ द रिटेलर लैंडिंग आफ्टर मार्जिन एंड आफ्टर स्कीम। अभी प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट इज 100 विच इज़ द MRP माइनस 89.08 विच इज़ 10.92, ये उसका प्रॉफिट हो गया। देखिए अब ये दूसरा एग्जांपल में वील अंडरस्टैंड कि अगर उसको फ्री प्रोडक्ट मिल जाए स्कीम में तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे 11 पीस में एक पीस फ्री है, 22 पीस में दो पीस फ्री है एंड 33 पीसेस में तीन पीस फ्री है। सो दिस इज द स्कीम एंड द MRP ऑफ द प्रोडक्ट इज 30, मार्जिन इज 5%। व्हाट इज द पर पीस रिटेलर लैंडिंग आफ्टर स्कीम इफ यू बाइज 22 पीसेस इज द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जब हम स्कीम कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैसे करेंगे, ये जो 2 पीसेस उसको फ्री मिल रहा है क्योंकि उसने 22 पीस लिया है, ठीक है, ही विल गेट 2 पीस फ्री। तो ये जो 2 पीस है दैट वी डिवाइड बाय 22 + 2 विच इज 24 एंड वी गेट दैट मार्जिन परसेंटेज विच इज 8% एंड देन वी गो ऑन विद द सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन। हम लोग वो रिटेलर का जो लैंडिंग है पहले वो कैलकुलेट करते हैं विच गिव्स अस 28.57 इन दिस केस एंड ऑन दैट वी कैलकुलेट द स्कीम 0.92 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट द रिटेलर लैंडिंग आफ्टर स्कीम विच इज 26.28 इन दिस पर्टिकुलर केस। सो दिस इज हाउ वी डू व्हेन द फ्री पीसेस आर बीइंग गिवन एज स्कीम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस। अब डिस्ट्रीब्यूटर को अगर 5% मार्जिन मिल रहा है, वो रिटेलर को दे रहा है 28.57 में, तो 5% मार्जिन अगर उसको मिल रहा है तो उसका लैंडिंग कितना हो रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग, RLP विच इज द रिटेलर लैंडिंग प्राइस माइनस द डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन। अगर हम इसको कैलकुलेट करें देन DLP इज इक्वल टू RLP माइनस 5% ऑफ द DLP। यहाँ पे भी मार्कअप है, सो 5% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस इज वॉट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है। तो सिमिलरली अब उसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले RLP कैलकुलेट किया था। सो विद दिस कैलकुलेशन DLP इज इक्वल टू 28.57 विच इज द रिटेलर लैंडिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 1.05, यहाँ पे 5% मार्जिन उसको मिल रहा है, सो डिवाइड बाई 1.05 विच इज इक्वल टू 27.20। सो अगर उसने 28.57 में बेचा है, ही हैज़ अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज़ एंड 37 पैसा, सो दिस इज हिज प्रॉफिट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंपनी लैंडिंग प्राइस। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को 27.20 में मिल रहा है तो कंपनी का लैंडिंग कितना हो रहा है। तो कंपनी का लैंडिंग प्राइस निकालने के लिए व्हाट वी डू, वी डिडक्ट द GST फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को हम इतने में बिल कर रहे हैं, वी जस्ट डिडक्ट द GST फ्रॉम दैट एंड वी गेट द कंपनी लैंडिंग प्राइस। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट ऑल दिस लैंडिंग प्राइजेस, स्कीम्स, मार्जिन्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोज। थैंक यू।